हाय गाइस, नमस्कार। मैं आनंद सिंह, आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ द कार एक्सपर्ट चैनल में। आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो कि है कार में होने वाले कुछ फॉल्ट, जो कि आपको कार ही आपको बताएगी ये ऐसा पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। स्टेयरिंग के जस्ट सामने डैशबोर्ड होती है और डैशबोर्ड में कुछ लाइट्स होते हैं, पिंक कलर के लाइट होते हैं, तो रेड कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, बहुत सारे कलर के लाइट होते हैं, जो कि चलती गाड़ी में अचानक से सडनली ऑन हो जाती है और आपको पता नहीं होता है कि ये क्या चीज की लाइट ऑन है, क्या चीज की लाइट ये ब्लिंकिंग कर रही है, और आप बिना देखे उसे इग्नोर कर देते हैं और आप गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपका इंजन सीज हो जाता है, या फिर आपकी गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाता है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाता है जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं होता है, बाद में आपकी गाड़ी में लंबी खर्च आ जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको आज डैशबोर्ड में जलने वाली लाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं, ये कार में स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के जस्ट सामने स्पीड मीटर है, टेम्परेचर मीटर है, फ्यूल मीटर है। उसके बाद आपके सामने अभी मैं ये चाबी, गाड़ी का चाबी को ऑन कर रहा हूँ, और चाबी ऑन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे ही मैं चाबी ऑन करूंगा ये मीटर्स में लाइट जलने लग गए हैं, बहुत सारा लाइट है जो कि ऑन हो गया है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ब्रेक लाइट जल रहा है, ईपीएस जल रहा है, प्लस माइनस एक चौकोन डब्बा में लाइट जल रहा है, फिर ये आपका ये दिए की तरह दिखने वाला एक लाइट जल रहा है, फिर ये लाइट जल रहा है। ये सारे लाइट्स के कुछ ना कुछ एक मतलब होते हैं, एक मीनिंग होते हैं, जो कि आपको कुछ बताना चाह रहा है, किसी चीज से संबंधित आपको ये जानकारी दे रहा है। अब ये जानकारी आपको कैसे मिलेगा, इसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कार चलाते समय आपको इसको क्यों देखना है, कब देखना है, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सेल्फ ऑन कर रहा हूँ, गाड़ी मेरी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद तीन लाइट बंद हो गए, लेकिन दो लाइट अभी भी जल रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सभी लाइट को बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी दो लाइट जल रहा है। ये आपका लाइट है, ये ब्रेक का लाइट है, ये ब्रेक जो कि हैंड ब्रेक का लाइट को दर्शा रहा है। हैंड ब्रेक ये मैं डाउन करने वाला हूँ हैंड ब्रेक को, ये लाइट ऑफ हो गया है। अब एक लाइट बचा है, ये इंजन चेक लाइट है। अगर इंजन चेक लाइट जल रही है गाड़ी में, तो इसे ऑफ आप ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी। और जब गाड़ी की सर्विस का टाइम हो जाता है, तो ये इंजन चेक लाइट, ये पीली लाइट जो जल रही है, ये जलते रहेगा। तो इसके लिए आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी गाड़ी की, इंजन ऑयल चेंज करना होगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारे चीज आपके चेंज होंगे, फिर ये इंजन चेक लाइट मैकेनिक ऑफ करेगा। और भी कई सारे लाइट्स थे, मैं उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। मैं इंजन को ऑफ कर दिया हूँ, अब फिर से चाबी ऑन किया, देख पा रहे हैं सामने ईपीएस जल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम है ये ईपीएस, जो कि स्टेयरिंग को बताता है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ये ऑन हो रहा है, जिससे कि आपकी स्टेयरिंग थोड़ी फ्री घूमती है, तो अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट ऑन हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका स्टेयरिंग हार्ड हो जाएगा। आपको ये ईपीएस सिस्टम यही दर्शाएगा कि आपका स्टेयरिंग में प्रॉब्लम आ गया, आप आगे रास्ता में आपको दिक्कत जा सकती है, आसपास के मैकेनिक से आप चेक करवा सकते हैं। फिर आपके सामने है प्लस और माइनस, एक चौकोन डब्बे में प्लस माइनस का लाइट जल रहा है, ये आपको बैटरी से संबंधित फॉल्ट को दर्शाता है। अगर आपकी गाड़ी का बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो ये लाइट आपका इंजन स्टार्ट होने के बाद भी जलते रहेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका अल्टरनेटर जो होता है, डायनेमो भी कहा जाता है, वो आपका खराब हो सकता है। इस वजह से वो इन बैटरी की जो लाइट दिख रही है, बैटरी में प्लस और माइनस जो होती है, ये ऐसे ही बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है, छपा हुआ है यहाँ पे। तो आप इंजन स्टार्ट करने के बाद ये नहीं जलनी चाहिए, अगर ये जलते रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या वायर कहीं शॉर्ट हो गया है, या फिर अल्टरनेटर खराब हो गया है, तो ये आपको ये दर्शाती है। फिर उसके जस्ट नीचे है ये इंजन ऑयल लाइट,
इंजन ऑयल अगर आपकी गाड़ी में जो इंजन के ऊपर इंजन ऑयल को लाता है वो अगर कुछ उससे संबंधित कुछ फॉल्ट आ जाए या इंजन ऑयल कम हो जाए आपकी गाड़ी में, तो भी इंजन ऑयल का लाइट, तो ये लाइट आपके सामने जलते रहेगा। तो मैं आपको सारे लाइट के बारे में बता दिया हूँ। ये है हैंड ब्रेक का लाइट, ये ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम जो कि है, ये आपका स्टेयरिंग से संबंधित, ये बैटरी से संबंधित, ये आपका इंजन ऑयल का लाइट है उसका लाइट बता रहा है, और ये इंजन चेक लाइट, ये आपकी गाड़ी का सर्विस का टाइम आ गया उसका लाइट है। चलिए मैं दूसरी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, और भी कुछ अगर लाइट होंगे तो मैं दूसरी गाड़ी में भी आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं, ये मेरी दूसरी कार है जिसमें कि ये डैशबोर्ड लाइट जो है कुछ अलग अलग लाइट दिख रहे हैं। पहली गाड़ी में थोड़ी सी अलग थी, फिर दूसरी गाड़ी में हमारी ये थोड़ी अलग लाइट दिख रही है। इसमें एक कुछ नया लाइट दिख रहा है जो कि है, ये आपका कार में एक लॉक लगा हुआ, ताला छपा हुआ है, ये कुछ नया है। बाकी ये इंजन चेक लाइट हो गया, और फिर ये हैंड ब्रेक का लाइट हो गया, ये इंजन ऑयल का लाइट हो गया, ये बैटरी का लाइट जो प्लस माइनस सबसे राइट साइड में नीचे की ओर दिख रहा है, ये बैटरी का लाइट हो गया। तो ये सारे चीज पहली गाड़ी में भी मैंने दिखाया, ये दूसरी गाड़ी में एक नई चीज आ गई है जो कि है ये सेंसर वाली चाबी। अगर आप बिना सेंसर वाली चाबी आप कहीं लोकल मैकेनिक से चाबी बनवा करके आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये इसमें सेंसर वाला चाबी लगता है, और इसे सेंसर वाली चाबी से इंजन को कनेक्ट किया जाता है तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अन्यथा आप चाहेंगे किसी भी दूसरी चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आप दूसरी चाबी से स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट बार बार आपको ब्लिंकिंग करेगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये सेंसर वाली चाबी इसकी इस कार की नहीं है, दूसरी कार की चाबी आप यूज कर रहे हैं। इसमें आपकी सेल्फ ऑन होगी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और वही है ये सारे सिस्टम सारे लाइट वही हैं। अब आपको मैं गाड़ी एक बार स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ, अगर हमारे सारे चीज ओके होंगे तो ये हमारी गाड़ी का सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे। ये मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, सेंसर वाली चाबी थी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सारे लाइट ऑफ हो गए, एक लाइट हैंड ब्रेक का जल रहा है जो कि मैं हैंड ब्रेक अभी देखिए ऑफ कर रहा हूँ, ये हैंड ब्रेक का लाइट ऑफ हो गया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सारे लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, ये मैं देखिए गाड़ी स्टार्ट कर रखा हूँ, ये आप साउंड सुन पा रहे हैं, ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये इंजन ये जो डैशबोर्ड पे लाइट होते हैं सारे लाइट ऑफ हो गए। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सारे लाइट ऑफ हो जानी चाहिए जो कि इस गाड़ी में हो गई है। पिछले गाड़ी में आप देखें इंजन चेक लाइट जल रहा था, मतलब उस गाड़ी में सर्विस की टाइम हो चुकी है वो गाड़ी बता रही थी, और जब हैंड ब्रेक लगा हुआ था तो हैंड ब्रेक का लाइट जल रहा था। तो आप समझ चुके होंगे कि जब कभी भी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मीटर में अगर कोई लाइट आपको शो कर रही है, मतलब समझ जाइए उस रिलेटेड आपको कुछ फॉल्ट आ गई है, जो भी लाइट जिससे संबंधित है आप उसे चेक कर सकते हैं, आप उसकी फॉल्ट को देख सकते हैं क्या फॉल्ट आ गई है, और उसे आप ठीक कर सकते हैं और फिर आप आगे गाड़ी चला सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे डैशबोर्ड लाइट का क्या यूज है, क्यों देखना चाहिए, और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच।